जयपुर की तरफ से फर्स्ट लीग जयपुर के पहले लीग करते हुए सात डिफेंडर के बीच ये फर्स्ट लीग मिर्जापुर से और बड़े फुर्तीले खिलाड़ी अपने सूझबूझ के साथ रीड लेते हुए और बगैर अंक के वापस अभी तक कोई अंक नहीं लिए और यह फर्स्ट लीग गायपुर का फर्स्ट लीडर जो अपने आप को सहनता समझते हैं गायपुर की टीम के कैप्टन अपने फर्स्ट रीड को मिर्जापुर के पाने में रीड करने के लिए भेजे और कोई सफलता नहीं, दोनों टीमों का अभी तक कोई सफलता नहीं हुई, एक एक का रीड हो चुकी है और ये बहुत ही शानदार टैकल, डबल टैकल, बड़े ही शानदार टैकल का प्रयास किया गया और सफल रहे गायपुर का बढ़ता हुआ अंक एक और इसी के साथ खाता खुला गायपुर का सेकंड रीडर मिर्जापुर के पाले में रीड करता हुआ और ये पकड़ने का प्रयास किया डिफेंडर के बीच और रीडर पकड़ा गया और मिर्जापुर का बढ़ता हुआ अंक एक गायपुर एक, दोनों टीम का अंक बराबर एक एक पे चलते हुए और फिर वही रीडर मिर्जापुर का जो काफी फुर्तीले खिलाड़ी मिर्जापुर की शान जो टीम के माने जाते हैं बड़े ही चतुराई से अपना रीड गायपुर के पाले में रीड करते हुए एक विशेष निवेदन है कमेटी के सदस्यों से कि पानी की व्यवस्था कर दी जाए, कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे विशेष निवेदन है कि पानी की व्यवस्था कर दी जाए और बड़े ही गर्व शानदार रीड का प्रयास किया गया लेकिन रीडर आउट, रेफरी का इशारा रीडर आउट, एक अंक मिला मिर्जापुर को और मिर्जापुर का प्रथम अंक एक दो और गायपुर एक दो और एक, एक अंक की बढ़त, यही होता है कबड्डी खेलने, जो भी टीम स्टार्ट मैच में बहुत अंक बना लेती है और टीम पर धीरे धीरे दबाव बना लेती है यह आगे चल के मैचों में भारी पड़ जाता है या कोई भी टीम है, इसीलिए टीम जो भी है अपना प्रयास रखती है और इस रेफरी के साथ टेक्निकल नहीं दिखाई दे रहा और आए हुए दर्शकों को भी आनंद मिलेगा जो अपना कीमती समय के मोलापुर के जो खिलाड़ी हैं अपने ऑटो के पास चले जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मिर्जापुर का रीडर गायपुर के पाले में रीड करता हुआ सात डिफेंस के बीच लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की तरफ रीड करते हुए और इसी के साथ बढ़ता हुआ गायपुर दो मिर्जापुर नौ, मिर्जापुर अभी काफी अंकों से पीछे चल रही है लेकिन ये कबड्डी का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, खिलाड़ी विशेष पर विशेष ध्यान दे, विशेष दे दी गई तो कोई भी खिलाड़ी जबरदस्ती प्रयास न करे, ताकत का इस्तेमाल ना करें, अनुशासन में रह के खेले, आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अब आप अच्छे खिलाड़ी की पहचान दीजिए, जब भी आए हुए दर्शक अपना अमूल्य समय निकाल कर केवल आपके खेल को देखने के लिए एवं आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए
काफी रात हो चुकी है, फिर भी आपके हौसले बढ़ाने के लिए डटे हुए हैं। यह कबड्डी प्रतियोगिता ग्राम सभा भासिंगपुर में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एवं ग्रामवासियों के सहयोग से चलता हुआ काफी उत्साह भरा है। वैश्य आज का यह प्रतियोगिता काफी उत्साहित दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम सभावासी। ऐसे ही खेल प्रतियोगिता थर्ड रेड डू एंड रेड जिसे कही जाती है, यह कबड्डी की नई टेक्निकल है जिसे प्रो कबड्डी में लाया गया है। सुपर टैकल, डुअल डाइव, टेक्निकल पॉइंट, हाफ टाइम का लास्ट मिनट, ये सब पहले नहीं होता था। हमारे जो सीनियर लोग खेलते थे ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। आज नए कबड्डी तकनीक में नए तरीके का टेक्निकल इस्तेमाल किया गया है और लाया गया है ताकि सभी खिलाड़ियों को रीड करने का, डिफेंस करने का मौका मिले। या प्रो कबड्डी में सुपर टैकल, डुअल डाइव, टेक्निकल पॉइंट, तमाम नई गतिविधियां प्रवेश कर दी गई है और ये रीडर आउट हुआ गहपुर का बड़े ही सूझबूझ के साथ। रेफरी महोदय, बड़े भैया दीपक जी जो भदोही से चलकर आए हैं आपके मैच को संपन्न कराने के लिए, काफी अपने अनुभव का परिचय देते हुए। और ये गहरपुर का रीडर काफी फुर्तीले खिलाड़ी, गहरपुर के रीडर 7 डिफेंस के बीच राइट कॉर्नर पर रीड करता हुआ और कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। और रेफरी का इशारा, टाइम, हाफ टाइम।